थाना इज्जत नगर बरेली क्षेत्रांतर्गत स्थित श्री बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर में कुछ व्यक्तियों द्वारा मंदिर में मूर्तियों को खंडित कर दिया, जिससे बरेली का माहौल गर्मा गया। पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लोगों में भारी आक्रोश है। ये सारा मामला बरेली के डेलापीर मंडी स्थल मंदिर का है, जिसमें रखी भगवान की मूर्तियों को एक अज्ञात युवक द्वारा खंडित किया गया, जिसको इज्जत नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला भी किया और इसे विदेशी तत्वों की शरारत बताया, और इस युवक के पास से विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। मेरा नाम रामकिशोर शर्मा है। कौन सा मंदिर है लाता जी? ये बाबा गोपेशनाथ मंदिर मंडी स्थल डेला पीर मंदिर। क्या घटना हुई अभी? सुबह 7:30 से 8 के बीच में यहाँ एक जो है विदेशी तत्व था, उस पर सऊदी अरब की करेंसी निकली है, वो मूर्तियों को डैमेज करके भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पकड़ा, वो चाकू से हमला करने को दौड़ा, मारने को दौड़ा, और एक आध दो लोग आए, उनका हमलावर हो गया, और इधर PAC पे हमलावर हो गया। उसके बाद वो फल मंडी गेट पे पकड़ा गया है, उसके साथ 2 साथी और पकड़े गए हैं। कौन लोग थे ये? ये हमारी पहचान में नहीं है, ये कई बाहर के लोग हैं, मंडल लोग थे। पकड़े गए क्यों? पकड़े गए। कितने लोग? 3 लोग पकड़े गए। आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 7:30 एवं 8 बजे के मध्य में थाना इज्जत नगर स्थित डेलापीर मंडी समिति में श्री बाबा गोपेश्वरनाथ मंदिर में एक अज्ञात युवक द्वारा प्रवेश करके वहां पर स्थापित मूर्तियों को खंडित किया गया। वहां पर उपस्थित श्रद्धालु एवं पब्लिक के द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। अन्य 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना इज्जत नगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।